हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है x³ - 2x² - x + 2। ये फोर्थ क्वेश्चन से अलग है। इसमें हमें पहले इस पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है और जिस फैक्टर से इसका जीरो फाइंड आउट हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो है। सो हम x की जगह अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखिए x³ = 1³ - 2 × 1² - 1 + 2। 1³ हमारी आएगी 1 एंड माइनस 2 × 1, क्योंकि 1² 1 होता है। सो 2 × 1 = 2 - 1 + 2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल। सो इसकी वैल्यू यानी आंसर इसका जीरो आ गया। तो हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तब इसकी जो है वैल्यू जीरो आई। सो इसकी जीरो निकालेंगे तो x - 1 = 0। ठीक है, सो x - 1 आ गया। अब इस x - 1 का हमें क्या करना है, देखिए x - 1 को हमें यहाँ पे लिख लेना है और इससे इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, जैसा हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था। ठीक है, सो अब x³ को ऐसे डिवाइड x से डिवाइड करेंगे, सो हमारा आएगा x²। सो x² के x से मल्टीप्लाई x³ एंड -1 के x² से -x², साइन चेंज, ये कैंसिल, सॉरी ये साइन चेंज, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, और 2x² में से 1x² गया, सो हमारे पास बचा -x² एंड देन -x। ठीक है, अब -x² को x से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आएगा -x। सो पहले -x के x से, फिर -x की -1 से, ये हमारे पास प्लस एक्स आ गया, क्योंकि माइनस और माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया। सो ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल एंड यहाँ पे -x - x। ठीक है, सो -2x हो गया हमारे पास, क्योंकि 2x है, ये 2x आ गया एंड देन साइन नेगेटिव +2। अब -2x को x से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा -2, सो ये -2x आ गया एंड माइनस और माइनस प्लस, सो ये +2 आ गया। अब ये साइन चेंज, ये कैंसिल एंड प्लस माइनस ये कैंसिल, सो इसका आंसर जीरो आ गया। ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, सो स्टेप 2 में हमें इसे डिवाइड करना था। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे स्टेप 3 करेंगे। यहाँ पे x - 1 तो हमारा है ही, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 है। सो x² - x - 2, अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 की -2 से मल्टीप्लाई, सो ये आएगा -2 और यहाँ पे हमारे पास है -1। ठीक है, सो -2 × -1 ये हमारा, सॉरी +1, ये आएगा -2 × +1, सो प्लस माइनस हो गया -2 - 1, हमारे पास आएगा -1, साइन नेगेटिव रहेगा, वही आ गया। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे, -2 और +1 आया, सो -2x एंड +x - 2, इनमें कॉमन हमारे पास आया x × x - 2, यहाँ पे हमारे पास आया -1। ठीक है, सो इंटू में नहीं, सो +1 आया, सो 1x यहाँ पे बच गया और प्लस माइनस माइनस और ये अंदर 2। सो x + 1 को अलग लिख लेंगे, ये x - 2 वो एक कॉमन आ गया और x - 1 हमें पहले ही ये फैक्टर मिल चुका। सो पूरे को फैक्टराइज करने के बाद स्टेप 1, 2 और 3 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हुआ है, इसका आंसर यह है। सो ज़्यादा लंबा पार्ट था, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।